का स्पेशल रिपोर्ट का वक्त है और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। इस बुलेटिन की शुरुआत संभल हिंसा से आई एक बड़ी अपडेट के साथ करेंगे, बड़ी खबर के साथ करेंगे। देखिए, संभल में जो वारदात हुई उसमें 28वीं गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने जारी की है आरोपी की तस्वीर, नाम बताया जा रहा है फरहत, इसको गिरफ्तार किया गया। फरहत पर हिंसा का वीडियो बनाने का आरोप है, सोशल मीडिया पर वायरल किया वीडियो, इसकी गिरफ्तारी हुई है, 28वीं गिरफ्तारी है। संभल में पत्थरबाजी की जो वारदात हुई, जो घटना घटी वहां पर हिंसा की स्थिति, उसके बाद लगातार गिरफ्तारियों का दौर चल रहा है। कल पुलिस ने, यूपी पुलिस ने बाकायदा वो सभी की तस्वीरें जारी की, जगह को लिखते हुए कि आखिर जिनके हाथ में पत्थर थे। और अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें ये कि एक और गिरफ्तारी हुई है और ये गिरफ्तारी संख्या 28वीं है, यानी इससे पहले 27 गिरफ्तार हो चुके थे और अब फरहत को भी गिरफ्तार किया गया, जिसने इसका वीडियो बनाया था पत्थरबाजी का, सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया था। इसके द्वारा ये बात पुलिस की तरफ से कही गई है, पुलिस ने आरोपी फरहत को गिरफ्तार किया है। फरहत पर हिंसा का वीडियो बनाने का आरोप लगा है। तो ये संभल से तस्वीरें आई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में जब सर्वे करने के लिए पहुंची टीम तो जिस प्रकार से पथराव हुआ उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और उसमें जारी एक्शन की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। संभल हिंसा में 28वीं गिरफ्तारी की खबर।